फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया और सूजी का हलवा। फ्रेंड्स, आप देखना कि कितना अच्छा टेस्टी बनता है। आज मैं और दिखाती हूँ आपको सामान। ये हमने घिया ली है आधी, और ये ली है हमने सूजी एक कटोरी, चीनी ली है, और ड्राई फ्रूट बीच में डालने के लिए फ्रेंड्स ये ली है। और ये घी अब मैं इनको छील कर और कद्दूकस करूंगी। फिर अब गाइस इसको हम उबालेंगे अच्छे से, उबाल के फिर दिखाती हूँ आगे का क्या करना है। फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से धो लिया, अब मैं इसको कद्दूकस करूंगी। ये हमने कद्दूकस कर लिया फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा हो गया। अब फ्रेंड्स इसको हम उबालेंगे, 2 मिनट के लिए उबालेंगे, और 1 गिलास हम पानी डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए अब हम इसे उबालेंगे फ्रेंड्स। ये हमने गैस पे चढ़ा दिया है उबलने के लिए। 2 मिनट इसको अच्छे से हम उबलने देंगे ताकि ये हमारा घिया सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा घिया उबल चुका है, हमने उबाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे, जो इसका पानी है वो निकाल लेंगे। इसे अच्छे से जोड़ लेंगे ताकि हमारा सारा पानी निकल जाए। फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई गर्म होगी, अब इसे हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। आप चाहो तो कम घी भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारा घी गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम कम आंच में करेंगे। फ्रेंड्स, एक हम पतीला रख दिया, इसमें हम 2 गिलास पानी डाल लेंगे। हलवे के अंदर डालने के लिए हम पानी उबाल लेंगे। और इसको थोड़ा गर्म होएगा तो फिर इसमें हम चीनी डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हो आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, ये पानी हम अच्छे से उबलने देंगे इसको। और इधर ये हमारा हलवा बन रहा है अच्छे से, इसको ब्राउन ब्राउन कलर हो जाएगा तब इसको उतारेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा घिया ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे सूजी। फ्रेंड्स, ये हमारी सूजी भून चुकी है, देखो हल्की हल्की ब्राउन हो रही है, इसको थोड़ा सा और करेंगे और ये हमारा पानी उबल चुका है जो इसमें हम डाल लेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे ताकि हमारा हलवा अच्छे से ब्राउन ब्राउन बने। फ्रेंड्स, घिया और सूजी इकट्ठे ही करनी है, कभी अलग 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 नहीं करनी, इकट्ठे ही डालना है। फ्रेंड्स,
पहले घिया करना है, इसको घिया को करना है, तलना है और फिर उसके बाद में सूजी डाल के फिर उन दोनों को भूनना अच्छे। फ्रेंड्स हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। ये देखिए घी छोड़ दिया है, अब इसमें हम थोड़े से डाल लेंगे ड्राई फ्रूट। फ्रेंड्स ये हमने थोड़ी सी दाखें डाली हैं और थोड़े से बादाम और काजू डालने हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा ये तैयार हो चुका है हलवा। अब हम आपको दिखाते हैं निकाल के कटोरी में। गैस कर देंगे बंद। फ्रेंड्स ये देखिए बनके हमारा हलवा तैयार हो चुका है। ये देखिए अच्छे से, ये देखिए फ्रेंड्स इतना बढ़िया बना है। खाइए और हेल्दी बिल्कुल लौकी और सूजी का हलवा ये बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। थैंक यू। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। फ्रेंड आप मेरी वीडियो देखते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते, देखते तो बहुत लोग हैं पर लाइक कोई भी नहीं करता। प्लीज़ एक बटन ही दबाना होता है, एक अंगूठे का बटन ही दबाना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। फ्रेंड्स इतना तो आप कर ही सकती हैं हमारे लिए, हम भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कि हमें भी इसका थोड़ा फल मिले, तो इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई इसमें कोई लगे कि कोई कमी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आगे अपने को और सुधार सकूँ।